बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.3 का स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। इस लेक्चर से पहले हम बहुत सी प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सब के सब प्रॉपर्टीज़ का ओवरव्यू देख चुके हैं। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज़ हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे किस तरह से वेरीफाई की जाती हैं, किस तरह से हमें सेट्स गिवन होते हैं, डिफरेंट सेट्स हमें गिवन होंगे। ठीक है, और हम वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए, उन सेट्स को यूज़ करते हुए वही प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें तीन पार्ट्स गिवन हैं। ठीक है, तो मैं पहला पार्ट सॉल्व करता हूँ। पहले पार्ट में हमें दो सेट्स गिवन हैं, यानी कि पेयर ऑफ सेट्स गिवन हैं। एक सेट का नाम है ए और उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये ए सेट के एलिमेंट्स हैं। और इसी तरह से हमें एक और सेट गिवन है जो कि जिसका नाम बी सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 4, 6, 8 और 10। ठीक है, अब ये दो हमें सेट्स गिवन हैं। हमें कहा गया है कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसकी वेरीफाई करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस की है? यूनियन की और इंटरसेक्शन की। ठीक है, तो यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी है, मैं डिफरेंट कलर से ट्राई करता हूँ कि किसी और कलर से मैं लिखता हूँ। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जिन्होंने सही बताया, मतलब कि उन्होंने पिछले लेक्चर्स ठीक तरह से पढ़े हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है, जो हमने वेरीफाई करनी है, इंटरसेक्शन की है। ठीक है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ साथ में। इंटरसेक्शन की क्या बनेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, वैसे देखें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करके भी यूनियन फाइंड करें या इंटरसेक्शन फाइंड करें, या एडिशन की भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पहले बहुत पिछले क्लासेस में पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें होता यह है कि ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये है, जिस तरह से ये लेफ्ट साइड पे ए यूनियन बी है, उसके बाद ऑर्डर चेंज किया, मतलब कि पहले मैंने बी को लिखा उसके बाद ए को लिखा तो बी यूनियन ए बन गया। ठीक है, और दरमियान में इक्वल का साइन है, ये शो कर रहा है कि दोनों का रिजल्ट इक्वल होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, ऑर्डर चेंज करके भी देख लें तो इनका रिजल्ट भी सेम ही रहेगा। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब दरमियान में यूनियन का साइन हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बन जाती है, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन हो दो सेट्स के तो वो इसी प्रॉपर्टी में तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बन जाती है। इसी तरह से अगर प्लस होता तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता, अगर मल्टीप्लाई होता, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन होता तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बन जाती। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अभी हमें दो सेट्स गिवन हैं, ए और बी। अब हम उन पे सबसे पहले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, मैंने दोबारा से लिख दिया। ठीक है, अब इसको वेरीफाई किस तरह किया जाता है? इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को हम डिफरेंट तरीक़ों से वेरीफाई की कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो मैं जो लेकर चलूँगा वो ये है कि पहले हम लेफ़्ट साइड लेंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड का रिज़ल्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम राइट साइड पे आ जाएंगे, राइट साइड का रिज़ल्ट फाइंड करेंगे, फिर दोनों के रिज़ल्ट्स को हम कंपेयर कर लेंगे कि वो इक्वल आते हैं या नहीं। अगर इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर चुकी है। ठीक है, प्रूव हो चुकी है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है?
लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की क्या है, लेफ्ट साइड पे देखें, इक्वल के लेफ्ट साइड को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी। अच्छा अब हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए सेट के बाद यूनियन, ए सेट यूनियन और फिर बी सेट, ठीक है। तो ए सेट के एलिमेंट्स क्या हैं जो हमें गिवन है, वही हम लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, उसके बाद यूनियन का साइन, और सेकेंड सेट है हमारे पास बी सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 6, 8 एंड 10, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4, 6, 8 एंड 10। अब इनका क्या है यूनियन, यूनियन हम पहले देख चुके हैं, यूनियन में क्या किया जाता है कि सब एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट में लिख दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जिन दो सेट्स का हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर ए सेट है और बी सेट है, इन दोनों सेट्स के सब एलिमेंट्स हम कंबाइन करके एक सेट में लिख लेंगे तो वो यूनियन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मैं सेट ए के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद हम सेट बी पे आते हैं, उसके एलिमेंट्स पे 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, ठीक है। 6 ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ तो हम ये लिख देते हैं 6, उसके बाद 8 भी पहले नहीं लिखा तो ये भी लिख देते हैं, 10 भी पहले नहीं लिखा तो ये भी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया ए यूनियन बी का, दो सेट्स के यूनियन का। अब ये तो हो गया, हमने सॉल्व कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया, इसको मैं रिजल्ट नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। और उसके बाद हम आते हैं राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए, बी यूनियन ए का रिजल्ट हमने फाइंड करना है। तो बी यूनियन ए का क्या मतलब है, पहले हम बी सेट लिखेंगे, उसके बाद यूनियन और उसके बाद ए सेट लिखेंगे, ठीक है। तो बी सेट हमारे पास क्या है जो हमें गिवन है, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8 एंड 10, और ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 4, 6, 8, 10, उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी हमने लिख लिया, ठीक है, 5, तो ये हमारे पास बन गया बी यूनियन ए, ठीक है। तो अब हम इसको रीअरेंज करके भी लिख लेते हैं, रीअरेंज कैसे होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10, ये मैंने रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज ना भी करें तब भी हम इनको इक्वल कह सकते हैं इन दोनों सेट्स को, ठीक है। तो बी यूनियन ए का रिजल्ट भी आ गया और ए यूनियन बी का रिजल्ट भी हमने फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, उसकी राइट हैंड साइड क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, और यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 में जो सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, दोनों सेट्स इक्वल हैं, बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इन दोनों की राइट हैंड साइड्स भी कह सकते हैं कि इक्वल हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड है क्या, ए यूनियन बी, और राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हमने किया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में दोबारा से लिख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा अब उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे जिस तरह से यूनियन को हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं लूँगा जो कि है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले ए सेट जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन और फिर बी सेट, बी सेट क्या गिवन था हमें, 4, 6, 8 एंड 10 इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर थोड़ा सा रिकॉल करें, इंटरसेक्शन ये होता है कि दोनों सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 दोनों सेट्स में आप मुझे बताएं कि कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, क्या 1
दोनों में कॉमन है, ए सेट में तो है लेकिन बी सेट में नहीं है, मतलब कि कॉमन एलिमेंट नहीं है ये। इसी तरह से टू भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, थ्री भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, और फोर को अगर आप देखें तो सेट ए में भी लाई कर रहा है और सेट बी में भी लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम फोर सेट लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों सेट्स में कॉमन है। उसके बाद फाइव नॉट कॉमन एलिमेंट, ठीक है, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इन दोनों सेट्स में कॉमन हो, तो सिर्फ ये ऐसा एलिमेंट है, तो ये हम सेट में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है ए इंटरसेक्शन बी, जो कि इक्वल है फोर के। ठीक है, फोर एक एलिमेंट है एक सेट का। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट फाइंड कर लिया। इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कह देता हूँ, बल्कि हम इसको थ्री कह देते हैं क्योंकि हम वन पहले ऊपर यूज़ कर चुके हैं ताकि मिक्सअप ना हो। तो ये इक्वेशन नंबर थ्री इसको मैं कह रहा हूँ। और अब हम आते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट फाइंड किया, उसके बाद राइट हैंड साइड पे आए। राइट हैंड साइड क्या है? बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इस ये है इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड, जिस प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर रहे हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए किस तरह से फाइंड करते हैं? पहले बी सेट लिखते हैं। बी सेट क्या है? फोर सिक्स एट एंड टेन, और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, और फिर आ जाता है जी ए सेट। ए सेट क्या है? वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो हमने कॉमन फाइंड करना है, ठीक है, इंटरसेक्शन क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, अब आप मुझे बताएंगे क्योंकि पिछले मैंने सॉल्व किया जी। जिन्होंने फोर आंसर दिया है वो करेक्ट है, ठीक है, मतलब कि उनको इंटरसेक्शन और प्रॉपर्टीज समझ आ चुकी हैं। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए का रिजल्ट आया है ये, इसको मैं फोर इक्वेशन कह देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्ट देखें, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए का रिजल्ट दोनों का सेम है, मतलब कि ये दोनों सेम है फ्रॉम थ्री, मतलब कि थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन से ये प्रूव हो चुका है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। तो ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं इन दोनों सेट्स से, जो हमें क्वेश्चन वन के पार्ट वन में गिवन था। बाकी दो पार्ट्स आप खुद से ट्राई कीजिए, बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड है, बस सेट्स में डिफरेंस होता है कि यहाँ पर सेट्स कोई और गिवन है, वहाँ पर कुछ और हैं, तो वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए अब आपको। तो अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन टू में क्या गिवन है? वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर दी सेट्स ए बी एंड सी। ये हमें गिवन है तीन सेट्स, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के चार पार्ट्स हैं। हर पार्ट में हमें डिफरेंट प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ऐसा हम करते हैं कि पार्ट नंबर फोर को लेते हैं क्योंकि वो हमने एग्जाम्पल से प्रूव नहीं किया, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं पार्ट नंबर थ्री, उसको प्रूव करते हैं। पार्ट नंबर थ्री में प्रॉपर्टी कौन सी गिवन है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसको हमने प्रूव करना है, शो करना है, और इसके साथ हमें सेट्स भी गिवन है। ठीक है, सेट्स कौन से हैं जी? ए सेट गिवन है, ए सेट इक्वल है वन टू थ्री फोर के, और बी सेट हमें गिवन है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये बी सेट है। उसके बाद सी सेट भी हमें गिवन है, तीन सेट्स हमें गिवन है ना, तो फाइव सिक्स सेवन नाइन और टेन, ये तीन सेट्स हमें गिवन है। हमें कहा गया है पार्ट थ्री में कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को प्रूव करना है हमने, ठीक है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कौन सी प्रॉपर्टी? अगर
रिकॉल कीजिए, तो कौन सी प्रॉपर्टी बनती है? ये प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू, किसके होता है? ए का यूनियन बी के साथ भी और सी के साथ भी, ठीक है, और दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ए का यूनियन बी के साथ भी और ए का यूनियन सी के साथ भी और दरमियान में इंटरसेक्शन, इसको कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इस प्रॉपर्टी को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है? लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इन ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो मैं वो लिख रहा हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमने पहले लेना है। तो इसमें से पहले हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सीक्वेंस होता है ना सॉल्व करने का, तो सीक्वेंस क्या बनता है कि पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। तो ब्रैकेट्स क्या हैं? बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा? पहले बी सेट, बी सेट क्या गिवन है हमें? थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये बी सेट के एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद इंटरसेक्शन और सी के एलिमेंट्स, सी सेट हमें भी गिवन है, ठीक है, फाइव सिक्स सेवन नाइन और टेन, ये हमारे पास हो गया बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको हमने सॉल्व करना है, देखें इंटरसेक्शन लेते हैं इन दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट्स का, तो जो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम इंटरसेक्शन में लिख लेंगे। अगर इसको देखें फाइव को, तो ये कॉमन है, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद सिक्स, ये कॉमन है दोनों सेट्स में, इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद सेवन भी कॉमन है दोनों सेट्स में, सेवन भी लिख दिया। और कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन आ रहा हो? कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है, यही तीन एलिमेंट्स हैं, तो इनका सेट बना देते हैं जो कि इंटरसेक्शन सेट कहलाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब मज़ीद आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, बी इंटरसेक्शन सी तो हमने फाइंड कर लिया, अब उसका यूनियन है ए के साथ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल किसके होगा? के ए सेट में पहले लिखूंगा, ए सेट क्या गिवन है हमें? ए सेट है वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ये हो गया ए सेट, उसका यूनियन हमने लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट हमारे पास ये है, ठीक है, तो वही सेट में लिख देता हूँ, फाइव सिक्स सेवन। अब इनका हमने लेना है यूनियन, यूनियन का क्या मतलब होता है? कि दोनों को कंबाइन करके लिख देना है, ठीक है, दोनों एलिमेंट्स को। तो वन टू थ्री फोर ये ए सेट के एलिमेंट्स हो गए और फाइव सिक्स सेवन ये दूसरे सेट के एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम राइट हैंड साइड के ऊपर आते हैं, राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है जी? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमें गिवन है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी और दरमियान में इंटरसेक्शन। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन। अच्छा, अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट्स में क्या क्या है? ए यूनियन बी है पहले, तो ए सेट वन टू थ्री फोर और उसके साथ यूनियन बी का, बी का क्या है जी? बी सेट हमें गिवन है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हमारे पास आ गया बी सेट, इन दोनों का यूनियन है। तो अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हमारे पास आ चुका है ए यूनियन बी। अब हम आते हैं दूसरी ब्रैकेट के ऊपर, यानी कि ए यूनियन सी। ए यूनियन सी किस तरह से आएगा? पहले ए सेट वन टू थ्री फोर और फिर उसका यूनियन सी सेट के साथ। सी सेट क्या है? सी सेट हमारे पास देख लेते हैं, फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन, फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन इसके एलिमेंट्स हैं और हमने इसका यूनियन लेना है ए सेट के साथ। तो वन टू थ्री फोर ये तो इस सेट के एलिमेंट्स आ गए, उसके बाद फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन ये आ गया हमारे पास यूनियन ए और सी सेट का। अब देखें हमने राइट हैंड साइड में फाइंड क्या करना है,
ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ, तो ए यूनियन बी सेट ये है और ए यूनियन सी सेट ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो वो हम ले लेते हैं ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ, तो दोनों सेट्स में लिख रहा हूँ जी। ए यूनियन बी सेट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद इंटरसेक्शन, और दूसरा सेट कौन सा है ए यूनियन सी, ठीक है, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10, इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का हमने लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हमने लिखना है, 1 2 3, देखें 1 भी कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, 4 भी, 5 भी, ठीक है, और 6 भी दोनों में आ रहा है, उसके बाद 7 भी दोनों में आ रहा है, लेकिन 8 नहीं आ रहा, ठीक है, और बाकी कोई एलिमेंट और कॉमन नहीं है, तो यही जो कॉमन आ रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन का सेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 6 कह देता हूँ, ठीक है, और जो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया था उसको 5 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 का रिज़ल्ट देखें 1 2 3 4 5 6 7, और इसका रिज़ल्ट देखें 1 2 3 4 5 6 7, दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, ठीक है, फ्रॉम 5 एंड 6 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट इक्वल आया है राइट हैंड साइड के रिज़ल्ट के, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास प्रॉपर्टी में क्या थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो बाकी इसके क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, बाकी भी जो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले पढ़ी हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन, ठीक है, तो बिल्कुल सेम है, सेम यही प्रोसीजर आपने फॉलो करना होता है, ठीक है, तो आप वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे।